चालू कर देंगे ना एसएससी जीडी मैथमेटिक्स एवरेज का वीडियो नंबर है हमारा 16। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे एवरेज के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है इस वीडियो का फर्स्ट, एवरेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा है 15 परीक्षा फल का औसत, 15 परीक्षा फलों का औसत दिया है 60। ठीक है, प्रथम 8 का औसत 58 है, प्रथम 8 का औसत कितना है 58 है, अंतिम 6 का औसत 62 है, अंतिम 6 का औसत 62 है, तो नौवे परीक्षा फल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नौवा परीक्षा फल जो है उसकी हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है, उसका मान कितना होगा। ठीक, अब देखिएगा जो हमारा 15 परीक्षा फल मानेंगे x1 x2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, x 15 तक अपॉन 15 बराबर कितना था 60 था। इसमें पहले 8 रहे होंगे x1 x2 डॉट 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 x8 तक चले होंगे x8, फिर उसके बाद अंतिम छः 15 14 13 12 11 10, यानी कि 10 तक अंतिम 6 हो गए होंगे, ये x10 से लेकर x15 तक हो गए होंगे, बीच में x9 हो रहा होगा, ये हमें ज्ञात करना। अब देखिएगा प्रथम 8 का औसत दे रखा है, अंतिम 6 का औसत दे रखा है, अंतिम 6 x10 से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे और नवा इसमें डायरेक्टली निकल आएगा। ये इन्होंने एक कंडीशन दिया है, यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x8 प्लस x9 ये अलग हो गया, प्लस x10 से लेकर x15 तक बराबर हो जाएंगे 60 × 15 15 15 × 90 900 हो गया। सभी का नंबर एक मान लेते हैं। उसके बाद अब प्रथम 8 का औसत 58 है, प्रथम आठ का औसत, यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x8 का औसत कितना था 58 था, प्रथम 8 का औसत 58 और अंतिम 6 का औसत 62, अंतिम छः का औसत कितना था 62। अंतिम 6 स्टार्ट हुए थे x10 से लेकर x15 तक अपॉन 6 बराबर था 62, अंतिम 6 का औसत 62 था, तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 प्लस x8 बराबर 8 × 58 और अंतिम 6 हमारे चल रहे हैं x10 से लेकर x15 तक बराबर 6 × 62, 6 × 12 = 2 + 36 = 37, यानी अंतिम 6 का जो योगफल है वो आ गया हमारा 372। प्रथम 8 का औसत भी निकाल लेते हैं, 8 × 8 = 64 + 6 = 40 × 6 = 40, ये आ गया हमारा प्रथम 8 का योग। अब इसमें मान रख देते हैं समीकरण, प्रथम 8 का योग है 464, x9 हमें ज्ञात करना है और अंतिम 6 इनका योग है 372 बराबर है 900। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेंगे 4 × 2 = 6 × 6 = 13 + 3 = 1 + 4 = 7 + 8 = 36 x9 बराबर 900, तो हमें निकालना है x9 बराबर 900 − 836, 900 में से 836 घटाएंगे। ठीक है ना, तो सिक्सटी फोर बचेगा x9। ठीक है, तो नवा परीक्षण जो है, हाँ नवा जो परीक्षण है वो हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, तो
हाँ रख दे, वो हो गया हमारा 64। यानी नवे की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसका क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर टू आता है। अगला क्वेश्चन है, 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। 45 छात्रों का की आयु का औसत, हाँ ऐसा निकाल के मिला तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, आयु का औसत कितना 18, 35 छात्रों का औसत 15, 15। ठीक है, आगे दिया है उन्हें 35 छात्रों की औसत आयु, 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु हमें फाइंड करनी है, जो बाद के 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। ठीक है, 45 छात्रों x1 x2 .. x35, उसके बाद 36 से लेकर x36 से लेकर x45, ये टोटल कितने थे 45 का औसत कितना है 18 है। उन्होंने कहा है कि 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो स्टार्टिंग के 35 का हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें योग मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस .. प्लस लास्ट के 10 x36 से लेकर x45 तक बराबर हो जाएगा 45 × 18। यानी ये 45 उधर 18 की गुणा में आ जाएगा, तो 18 की 45 से गुणा करेंगे, 5 × 8 = 40, 3 × 4 = 5, 5 × 9, 4 × 8 = 32 का 2 हासिल, 3 × 4 = 3, 32 का 4 × 8 = 32 का 2 हासिल, 3 × 4 = 7, 0 810। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 810। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रथम 35 का जो औसत है x1 x2 .. x35/35 बराबर है 15, तो प्रथम 35 का जो मान निकलेगा ये 35 इधर गुणा में आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 × 35, x1 प्लस x2 प्लस x3 .. बराबर 15 × 35 प्लस x36 से लेकर x45 का हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, योगफल मिल जाएगा, ये इधर चला 810। 35 की 15 की गुणा कर देते हैं, तो 35 × 15, 5 × 25 का 5 लगे 2, 5 × 15 = 17, 1 × 5 1 × 3 5 × 7 = 12, 4 × 3 = 5, 525। तो यह है 525 प्लस x36 से लेकर x45 तक बराबर है 810। हाँ, थोड़ी सी डाल लेती, 10 का लास्ट के 10 स्टूडेंट हैं उनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो इनका योग हमें मिलने वाला है x36 से लेकर x45 तक, 810 माइनस का 525, 810 में से 525 घटा देंगे, 10 में 5 गए 5, 8 और यहाँ बचा 285। ठीक है ना, 285। अब इनका योग आ गया, एक्स 10 स्टूडेंट हैं, अगर इनके औसत की बात करें तो 10 से भाग कर देंगे और इधर भी 10 से भाग कर देंगे, तो अंतिम 10 का औसत, 10 का औसत बराबर आ जाएगा, ये भाग कर लेंगे 28.25। ठीक है,